Ơi. हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर अच्छे आई मेड अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, मैंने पहले भी बोल दिया है कि एक्सेसिव फायरिंग हुआ जहां में आप टियर गैस मार सकते थे, जहां में आप वाटर कैनन कर सकते थे, गोली मार के आपने पूरा वीडियो एविडेंस है कि TSR ने एक्सेसिव फोर्स किया है। अभी मैं दुकान देख के भी आया हूँ, सबका बोलना है कि इट वॉज द TSR अलॉन्ग विद सम अदर पीपल जिसने दुकान को आग लगाया। यहाँ में महादेव वीर विक्रम के स्टैचू में डंडा मारकर हाथ तोड़ दिया है, सर के ऊपर गोली लगा है। मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्टर्स के पास बंदूक था कि वो महादेव वीर विक्रम के स्टैचू के माथे के ऊपर गोली मारे। इन्होंने मारा है, अब इनका एक कोई मतलब होगा। इसी के लिए मैं कहता हूँ सबसे कि अगर आप मूर्ति बनाते हो और उसका इज्जत नहीं कर सकते हो तो क्यों बनाते हो? और ये जो भी किया है उन्होंने एक कम्युनल इंटेंशन से किया है। आज महादेव वीर विक्रम का स्टैचू को गोली मारा है, हाथ तोड़ा है। अगर कोई ने रिएक्ट किया और किसी और खुदीराम बोस, विवेकानंदा या रवि ठाकुर का स्टैचू को तोड़ा तो कम्युनल टेंशन बढ़ेगा। ये सब जो किया जाता है इतने आसान से नहीं किया जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र चाल रहता है कि कम्युनल टेंशन को इलेक्शन के पहले लाए। ये सब चीज़ इतना आसानी से नहीं होता, वरना एक मूर्ति क्या प्रोटेस्ट कर रहा था? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एक रिएक्शन दूसरी तरफ से भी आए और तब टेंशन को बढ़ाए। ये बहुत गलत चीज़ हुआ है। एंड अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर जो एम्बुलेंस अटैक हुआ था उस दिन मैंने देखा वीडियो, आई हैव सीन द वीडियो, एम्बुलेंस वीडियो का अटैक देखा। अब ये कहीं भी दुनिया, आप यूनाइटेड नेशंस में जाके, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि आप एम्बुलेंस को मारोगे, उसके अंदर जो आदमी को गोली लगा उनको आप पीटोगे। मैंने, मेरे पास और एक वीडियो है जहाँ में TSR जवान ने ओपनली गोली मारा है, उसके अंदर कोई खतरा नहीं था, कोई उनको टच नहीं कर रहा था, उनका लाइफ जिंदगी डेंजर में नहीं था, पूरा वीडियो एविडेंस बोलता है। अगर आपको इतना जोश है तो आप दिखाइए कहीं और, लेकिन निहत्ते प्रोटेस्टर्स को जिसके पास कुछ नहीं है उनको आप ऐसा अटैक करोगे और तब उसके बाद बोलोगे कि ये एंटी नेशनल है। कहाँ से ये एंटी नेशनल है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रोटेस्ट करने से कहाँ हम लोग एंटी नेशनल हुए? शिवसेना प्रोटेस्ट कर रहा है एंटी नेशनल बिल के लिए, मेघालय में नेडा का अलाय है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत लोग अलाय है बीजेपी के, हमारे संग यहाँ में शुक्ला है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट। मगर अभी तक जो कैबिनेट मिनिस्टर कुछ बात बोले, हम इसमें भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि यहाँ में हमारा यूथ IPFTB भी है, लेकिन उनको खुद समझने दो। लेकिन ये ऐसा ऐसा सरकार नहीं चलता, और ये सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ में जो हमारे MLAs हैं उनका भी एक दायित्व बनता है अपने लोगों के ऊपर, और मेरा भी एक दायित्व बनता है। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन जो हुआ है वो गलत बात हुआ है और इसका MLA को जवाब देना पड़ेगा, लीडर्स को जवाब देना पड़ेगा, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो मेन चीज़ है उससे पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। आपने लोकसभा में पास किया है, राज्यसभा में हम होने नहीं देंगे। अगर आपने पास किया, अगर आप ऑर्डिनेंस लाओगे तभी भी हम होने नहीं देंगे। इसमें कोई
पार्टी का कॉन्स्पिरेसी था क्या उस दिन? देखिए, ये पार्टी का कॉन्स्पिरेसी नहीं होता, ये होता है जब लॉ एंड ऑर्डर को आप हैंडल नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है कि आके यहाँ में, लेकिन हाँ बहुत लोग चाहते हैं कि यहाँ में कॉम्युनल टेंशन बिटवीन ट्राइबल्स एंड बंगालीज बढ़े। इसी के लिए महाजय वीर विक्रम के स्टैचू को आपने गोली मारा है, हाथ तोड़ा है। अगर कल यहाँ के ट्राइबल्स लोग ने रिएक्ट किया और विवेकानंद, रवि ठाकुर, खुदीराम बोस के स्टैचू को फिर से वैंडलाइज किया, तब क्या होता कि दोनों कम्युनिटीज में टेंशन बढ़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में कॉम्युनल टेंशन बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले पोलराइज हो जाए सिचुएशन।